बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की आलमी जंग में आज चाइनों की पांचवीं आजमाई चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई की टर्निंग विकेट पर अफगानिस्तान के खिलाफ टीम अच्छे हदफ की जानब जो है वो गामजन थी और अब 282 रन बना लिए। कप्तान बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक के नेस्ट सेंचुरीज मेगा इवेंट में सेमीफाइनल खेलने की उम्मीदें जो हैं वो रोशन रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स के लिए ये मैच न सिर्फ ये बल्कि तमाम आगे आने वाले मैचेस जीतना जरूरी है। दूसरी जानब मेजबान भारत का मेगा इवेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने का एहसास बरकरार है। न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराकर मुसलसल पांचवीं फतह अपने नाम कर लिया। मेगा इवेंट में कल मुंबई के वकिंडे स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश में जोड़ पड़ेगा। तमाम तर सूरत हाल पर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ सहमद सईद साहब भी हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। बट साहब, इसी मैच से आगाज लेते हैं। 282 for 7 पहली मरतबा तकरीबन 50 ओवर्स कंप्लीट किए बगैर आउट हुए सारा, इज इट इनफ? हम डिफेंड कर पाएंगे? देखिए, आई थिंक जो हमने चेन्नई की पिच को अभी तक देखा है इस वर्ल्ड कप में और जितना टर्न आज हमने देखा, मेरा ख्याल है कि इट शुड बी गुड इनफ। ये वाला टोटल आपके बॉलर्स जिनको हम बहुत बोस्ट करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेज हैं, जो अपनी बॉलिंग हैवी टीम जानी जाती है, तो मेरा ख्याल है कि इस पिच के ऊपर ये एक अच्छा स्कोर इन्हें मिल गया है। और स्पेशली जब आप अपोजिशन को देखें, यहाँ पर बड़ी टीमों का जब आपस में मैच हुआ तो इतने हाई स्कोर्स नहीं देखे गए हैं। जो आपको हमारे स्टैटिस्टिशियन ने रन्स बताए वो भी पार स्कोर से उससे काफ़ी ज़्यादा रन। एग्जैक्टली, तो हर लिहाज से अगर देखा जाए, पिच भी जब बाबर आजम और बाकी बैटर्स खेल रहे थे तो इतना आसान नहीं था स्ट्रोक्स लगाना। आखिर में इफ्तिखार अच्छा खेले जब उनके फास्ट बॉलर्स वापस आए, लेकिन स्पिनर्स में हमने देखा कि खासी मुश्किल हुई। तो लेकिन फास्ट बॉलिंग क्वालिटी का भी काफ़ी फर्क है पाकिस्तान में। यही मैं कहने लगा था कि अगर स्पिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा तो हमारे पास स्पिनर की क्वालिटी की बात बट साहब ने बात की है। जो उनके 3 स्पिनर हैं मोहम्मद नबी, राशिद खान और नूर अहमद, जिन्होंने आज 30 ओवर कराए हैं, उन्होंने 30 ओवर में सिर्फ 121 रन दिए हैं और 4 आउट किए हैं। तो डिफरेंस जो है वो यहीं पर ही बना। 30 ओवर में 121 रन दिए और 4। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना देखने वाली, कि सिर्फ 4 विकेटें उनको मिली और पाकिस्तान की विकेट्स हाथ में थी तो एंड में ये टोटल कर सकता है। और ये पहली दफ़ा है कि आप पहले खेलते हुए आपने 50 ओवर टीम आउट नहीं हुई आप। और राशिद खान जो है वो विकेटलेस गए हैं, ये बहुत एक रेयर साइट है वाइड बॉल क्रिकेट में। और ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। अब्दुल्ला शफीक की बात कर ली जाए, एक दफा फिर से उन्होंने 58 रन की इनिंग्स खेली। अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से आउट अंपायर की जानिब से नहीं दिया गया, रिव्यू लिया गया और उस पर माइनस एज था विकेट जो कि स्नेक हो रहा था जिस तरह से आउट हुए। लेकिन 58 रन की इनिंग, बट साहब 2 छक्के भी मारे हैं, 5 चौके भी मारे हैं, 75 बॉल्स पर 58 रन की इनिंग्स खेल के गए अब्दुल्ला। ठीक है, जो जिस तरह से इनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी, मुसलसल माशाल्लाह 50 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 3 मैचेस खेले, तीनों में हमने देखा अच्छा परफॉर्म किया। देखिए, बहुत ही एक कह लें कि अच्छी परफॉर्मेंस है और खुशाइन चीज़ है कि एक यंगस्टर जो है इस बड़े स्टेज के ऊपर एटलीस्ट वो आपको अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं और पैनिक नहीं नज़र आ रहा आपके मैचेज में। ऊपर से आके स्ट्रोक्स भी अच्छे खेलता है, पुरअतमाद लगता है, टेक्निक भी उसकी काफ़ी डिसेंट है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आप उनके और शॉट्स में इजाफा देखेंगे। और आपको याद होगा कि जो चेज हमने श्रीलंका के अगेंस्ट की थी, वहाँ पे जहाँ पिच अच्छा था वहाँ पे हमने उनके बहुत सारे शॉट्स भी देखे और आज इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी, उन्होंने छक्का भी मार दिया, सिर्फ एक बल्कि 2 छक्के मारे, 2 छक्के मार दिए पहले 10 ओवर्स में। तो काफी कुछ अच्छा किया अब्दुल्ला, अब्दुल्ला को क्रेडिट जाता है। और अगर ये गेम हम जीतते हैं तो आज का दिन तो मेरे ख्याल तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाना चाहिए। जो अब्दुल्ला शफीक का विकेट है, इसमें कहीं आप ये नहीं समझते जो दूसरे एंड से बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली जा रही थी इमाम के आउट होने के बाद, उसका प्रेशर कहीं अब्दुल्ला ने लिया और वो एक ऐसी शॉट, बावजूद इसके कि वो फुलर लेंथ के ऊपर बॉलर जो है बॉल कर रहा है और उसको वो स्वीप करने गए और बीट हो गए। देखिए, इफेक्ट तो करती हैं ये चीज़ें, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस गेम आपको पता होना चाहिए था कि आपने आखिरी 10 ओवर्स में जाना है विद मैक्सिमम विकेट्स इन हैंड। तो ऐसे में फिर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली कि जब स्पिन हो रहा है और इतने अच्छे 3 स्पिनर्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ जो पाकिस्तान ने की कि आज राशिद खान को विकेट्स नहीं मिले एंड बाय एंड लार्ज मोहम्मद नबी को भी एक ही विकेट मिला, उन्होंने बहुत ही आला बॉलिंग की है। और मुजीब को तो रन्स हुए हैं, मुजीब को तो जनाब 8 ओवर में 55 रन्स हुए हैं और अपना पहला पूरा कोटा मुकम्मल नहीं कर सके, ये बड़ी रेयर साइट है। तो आई थिंक पाकिस्तान जहाँ तक एज फार एज स्पिन इज कंसर्न, पाकिस्तान ने काफ़ी कह लीजिए कि अच्छी बैटिंग की और स्ट्रैटेजी यही नज़र आई कि इनको विकेट्स नहीं देने और जब फास्ट बॉलर्स आए दोनों और उन पर काफ़ी पाकिस्तान ने रन। अच्छा बट साहब, इमाम की बात की जाए, बहुत सी चीज़ें इमाम पे ड्यू हैं, परफॉर्मेंसेज बहुत सी ऐसी हैं। आज फिर 17 रन पर गालिबन पुल शॉट मारते हैं, फिर दायरे पे उसी तरह ही आउट हुए हैं, तो इसमें कुछ बेहतरी नहीं ला रहे। आप बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि 4 साल 5 साल खेलने के बावजूद इम्प्रूवमेंट नहीं आई इनकी परफॉर्मेंस में, डिक्लाइन की तरफ ही जा। और मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि जो पहला मैच हमने खेला था जिसमें इमाम पुल मारते आउट हुए, उसमें बट साहब ने जो पुल मारने की टेक्निक मसला बताया था ना इमाम उल हक की, वो अभी तक 5वें मैच में ही बाकी।
देखें पाकिस्तान टीम का मैं आपको थोड़ा सा इमाम से हटके अगर हिस्ट्री में ले जाऊं जी, तो पाकिस्तान टीम मिसबॉल हक की कप्तानी में साउथ अफ्रीका गई 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में। एक नया फास्ट बॉलर आया ओलिवर, 21 विकेटें ली 3 टेस्टों में पाकिस्तान के खिलाफ, 19 बंदे उसने बाउंसर पे आउट किए। मिकी आर्थर आपके कोच थे, ठीक है। उसके बाद आप गए न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट ने वहाँ पर अलॉन्ग विद अदर न्यूजीलैंड बॉलर्स आपको बाउंसर्स करते थे, आपके फीट मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते थे, फिर आगे गेंद करके आपको आउट कर लेते थे। मिकी आर्थर थे आपके कोच। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ पर उन्होंने आपको बाउंसर्स पे आउट किया। उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में पहुंचे, वेस्ट इंडीज ने पहले वनडे में आपके टॉप ऑर्डर को बाउंसर्स पे आउट किया। मिकी आर्थर थे पाकिस्तान के कोच, ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे आ जाएं, रिसेंटली जो एशिया कप पिछले वर्ल्ड कप से पहले T20 के हुआ, वहाँ पे भारत ने दुबई में आपको बाउंसरों पे आउट किया। बिल्कुल। और आज भी आप देख रहे हैं कि पुल शॉट जो है वो हमारी जान को बना हुआ है। तो ये फिर आज भी मिकी आर्थर कोच है। तो अगर ये इतनी सी टेक्निकल डेफिशिएंसी जो है आप उसको पूरा नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि आपके जो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के जो बॉलर्स जो नेट में खेलते हैं ये तेज हैं, जबकि जो इंडियन बैटर्स हैं उनको अगर आप देखें तो 150 वाले बॉलर्स को या जिस तरह हमारे हारिस रऊफ को, उन्होंने पुल स्ट्रोक्स खेले हैं, बिल्कुल। तो उनकी प्रैक्टिस में और उनकी टेक्निक में बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। तो आई थिंक इस बारे में बात ज्यादा करनी चाहिए बजाय कि कितने शायकीन आए और कौन सा गाना बाहर चल रहा था। ऑल क्रेडिट गोज़ टू जी जो मिकी आर्थर हैं, और इस पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे, हालांकि वो ही कहते थे कि मैं श्रीलंकन टीम को बड़े अच्छे से जानता हूँ, मैं इनकी वीकनेसेस का पता है, अपनी वीकनेसेस पे कब काम करेंगे, और मुसलसल इतने टूर्स कर चुके लेकिन इस पर काम नहीं किया जा रहा। रिजवान की अगर बात कर लीजिए, बट आप समझते हैं आज कुछ बैटर्स को देख के ऐसा लग रहा था कि अर्ली पिक करना चाह रहे स्पिनर को उनका बॉल फेरने से पहले। अब्दुल्ला भी उस तरह शॉट मारने जा रहे थे पहले, उस पर बचे, रिजवान को एक चांस पहले भी मिला, फिर उसके बाद फिर वही स्वीप शॉट अर्ली पिक करने गए बॉल को और शॉर्ट पाइन पे कैच दे बैठे। देखिए एग्जैजरेटेड स्पिन मूवमेंट थी, अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनका अगर आपको हाथ से नहीं पता चलता कि वो बॉल अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है तो बहुत मुश्किल है आपका उनके खिलाफ रन करना और सर्वाइव करना। और रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे, इवन बाबर जब अर्ली स्टेजेस पे बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्हें पिक नहीं कर पा रहे थे कि जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन है उनका बॉल अंदर की तरफ स्पिन होगा या बाहर की तरफ स्पिन होगा। बिल्कुल। सो ऐसे में एक तो क्रेडिट टू द बॉलर कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, इतने एस्टैब्लिश दो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को उसने अफरा तफरी डाली हुई थी कि बॉल जाना किस तरफ है, और उसी में फ्रस्ट्रेट होकर रिजवान ने खासी कोशिशें की आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की, स्वीप मारने की, कभी हटके मारते थे कभी पीछे जाते थे। तो आई थिंक उन्होंने रिजवान को स्क्वीज करके आउट किया, और ये क्रेडिट अगेन बॉलर का है। और कहीं ना कहीं ये भी बात कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी बड़ी ज़रूरी है कि ऐसा क्या है कि मार्को येंसन भी जब परसों खेल रहे थे तो आदिल रशीद को वो गुगली आराम से पिक करके ऑन साइड पे खेल देते थे, हमारे प्रीमियर बैटर से लेग स्पिनर का हाथ पिक नहीं हो रहा। तो इस पे डेफिनेटली देर इज समथिंग टू डू कि बॉल को आप क्यों नहीं देख पाते, आप हाथ से क्यों नहीं पिक कर पाते, इसका कुछ सदेबाब होना चाहिए। इसमें रिजवान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि सेम पैटर्न को फॉलो करती है, एक टेक्स्ट बुक टीम बन के रह गई है पाकिस्तान, इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए था कि सऊद शकील को वो प्रमोट कर देते आज रिजवान की जगह पे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन स्पिन के मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसा चल रहा है? देखिए बहुत अच्छी सजेशन है, लेकिन तमाम टीम्स में आप देख रहे हैं अप एंड डाउन वो प्लेयर्स को मूव कर रहे हैं, शादाब ऊपर आ गए तो सऊद, ये कंडीशंस ऐसी हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑलराउंडर भी अगर ओपनर चला जाए तो वो जाके उसका फायदा उठा सकता है। हमने कैमरून ग्रीन को देखा पिछली सीरीज में, फिर हमने अभी मिच मार्श को हम देख रहे हैं कि वो ओपन कर रहे हैं यहाँ पर आकर, और जो है वो खासे कामयाब है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने सेंचुरी भी की। लेकिन पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड उस तरह से अप्लाई नहीं कर रहा। आपने नवाज को उधर देखा था दुबई में, एक मैच में इंडिया के खिलाफ ऊपर आए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 18 बॉलों पर 42 रन किए और ऊपर आके रन किए, और उसके बाद शायद तौबा कर ली, फिर ऊपर ही नहीं आए या उनको किसी ने भेजा नहीं। और उसके बाद आज तक हम देख रहे हैं कि पैटर्न, बल्कि आज शादाब ऊपर आए हैं इफ्तिखार से, जो कि इन फॉर्म बैटर हैं जिनका आना बनता था, क्योंकि शादाब कोई लेफ्ट हैंडर तो नहीं है कि आके वो कुछ डिफरेंट कर पाते या बॉलर को लाइन लेंथ का मसला होता। तो आई थिंक सर्टन चीज़ें हैं जो पाकिस्तान टीम करती है और सर्टन चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नहीं करते। ठीक है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी है जी, हमारी जारी है, स्टे विद अस। जनाब ये पहली 5 विकेट्स थी जिस तरह से पाकिस्तान ने विकेट्स गवाई, सिवाय अब्दुल्ला शफी के बाकी तमाम खिलाड़ी जो है वो कैच आउट हुए हैं। अगेन वही बात, बट साहब स्पिनर को थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई अर्ली पिक करने के चक्रों में, हमने देखा कि टॉप एच भी हुआ रिजवान का, उसके बाद साउथ जिस तरह से खेले हैं समझते हैं कि वो स्पिनर को टैकल करना चाह रहे थे डाउन द ग्राउंड आकर विकेट आकर।
देखिए साउथ चाह रहे थे कि वो विप करें क्योंकि मिड विकेट डीप नहीं थी, मिड विकेट दायरे में थी और मोहम्मद नबी को अच्छा खासा टर्न मिल रहा था, उन्होंने बहुत ही टाइट लाइन पर बॉलिंग की। सो काफ़ी खेल चुके थे, सेट थे, लेकिन ऑब्वियसली एक ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट जिसका बॉल अच्छा स्पिन हो रहा हो, ये एक मुश्किल शॉट है अगेंस्ट द स्पिन खेलना, और इसको सीधा सर के ऊपर से मारते, एक्स्ट्रा कवर में मारते विद द स्पिन या एटलीस्ट सीधा, तो फुल बैट के साथ आप फुल फेस के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे विप करने जा रहे इतने लंबे स्पिन के साथ, तो ये फिर बड़ा ही मुश्किल शॉट है, और जिसको उन्होंने ऑप्ट किया और आखिर फिर अपनी विकेट गवाई उस शॉट के चक्कर में। अच्छा भाई साहब, इसमें ये जो दोबारा से अगर मैं आऊँ उसी पॉइंट के ऊपर कि जो स्ट्राइक रोटेशन है वो अगर ना हो रहा हो तो साउथ शकील तो जाहिर है कि वो कोई ना कोई क्रीज से बाहर निकलेंगे, कदमों का इस्तेमाल करेंगे, वो इस तरह के शॉट मारने पर मजबूर हो जाएंगे। हम अगर फेजेस के हिसाब से स्कोर देखें तो पाकिस्तान का 20 ओवर में 100 रन था और एक आउट था, जबकि पाकिस्तान का 32 ओवर में 150 रन था और 3 आउट थे। तो कहीं दोबारा वही क्वेश्चन कि दूसरे एंड से जो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेली जा रही हैं उसका प्रेशर तो नहीं लेगा अब साउथ शकील? देखिए डेफिनेटली वो चीज़ माइंड के ऊपर एक वर्क करती है कि अगर सामने से भी रन्स ना भर रहे हो और आप भी बड़े शॉट खेलने में नाकाम रहे हो, ऐसे में एक बैटर फिर फ्रस्ट्रेट होकर फैसला करता है कि मैं रिस्क लेता हूँ, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आउट भी हो सकते हैं, और ऐसा ही हुआ इस केस में। लेकिन आई थिंक कि प्रोफेशनली आपकी इस बात को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑल दो के ऐसा होता है, लेकिन ये फिर आपको उससे निकलना आना चाहिए। हम देखते हैं दूसरी टीमें जो हैं जब उन्हें बड़े शॉट नहीं मिलते तो उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट ऐसी होती है कि वो आराम से गैप में खेल के दो रन ले लेते हैं। हमें वो भी चीज़ अपनी टीम में नज़र नहीं आई उस तरह से, जब तक रिजवान ना बैटिंग करें, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी रनिंग में और है और बाकी प्लेयर्स की बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है जी, अब जरा अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग दिखाएं जी, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक ने शॉट्स खेले, और उसके बाद हमने बाबर आजम की बैटिंग भी देखनी है। बाबर आजम ने बड़े क्रूशल सिचुएशन में, जिस तरह से स्पिन अटैक चल रहा था अफगानिस्तान का वहाँ पर, जिस तरह से 74 रन की इनिंग्स के लिए अब्दुल्ला दिखाई गए। ये वो अब्दुल्ला शफीक के शॉट्स थे, और ये देखा हमने दायरे का अच्छा इस्तेमाल किया जब फील्डर सारे अंदर थे, उसके बाद फिर ऊपर से ही गुजारे, बट सब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। देखिए अब्दुल्ला टेक्निकली बहुत ही साउंड प्लेयर है, और खासियत ये है इनकी कि मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व है, और बैटिंग का जो आर्ट है वो भी यही है कि आप मिनिमम रिस्क के साथ आप बड़े रन करें। जब हम दुनिया के टॉप प्लेयर्स को देखते हैं, केन विलियमसन को, जो रूट को, विराट कोहली को, बाबर को, तो इनकी खासियत यही है कि रिस्क का फैक्टर बड़ा कम होता है इनकी इनिंग में और ये बड़े रन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो यही चीज़ अब्दुल्ला शफीक में भी पाई जाती है, लेकिन अब जब उस तरह की परफॉर्मेंसेज आएंगी तो अपना मुकाम वो भी हासिल कर लें। और ये अब्दुल्ला शफीक की वर्ल्ड कप में चौथी इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने 2 50s कर रखी हैं और 1 century कर रखी है, 4 मैचों में 82 की एवरेज से 255 रन अब तक वर्ल्ड कप में बना चुके। एग्जैक्टली देर आए दुरुस्त आए। अच्छा जी, बाबर आजम की कप्तान जी की बैटिंग जरा दिखाएं जी, 74 रन की इनिंग्स के लिए, और इंटरेस्टिंग बात यह कि 16वें ओवर में मोहम्मद नबी ने बाबर आजम को मनकट की वार्निंग भी दी, उन्होंने कहा कि क्रीज के अंदर रहें वरना फिर मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भूल जाऊंगा। दिखाएं जी बाबर, ये जो लास्ट शॉट देखा ये बहुत रेयर दिखने को मिलता है बाबर आजम की तरफ से, जिस तरह के ये शॉट्स रोलिंग शॉट्स यूजुअली खेलते हैं, लेकिन छक्का बाबर आजम की तरफ से आना एक खुशाइन बात होती है जो कि कभी कभार ये देखने को मिलता है। व्हाट्सअप देखिए अच्छी इनिंग खेली है, इंपॉर्टेंट नॉक थी, और उन्होंने इनिंग्स को कह लीजिए कि एक जगह जोड़ के रखा है इनिंग्स को, और यहाँ पर आपकी अगर विकेट्स गिर जाती तो मुश्किल हो सकती थी क्योंकि स्पिनर्स के ओवर खेलने बहुत ज़रूरी थे, 4 स्पिनर्स के साथ अफगानिस्तान ऑपरेट कर रहा था, तो ऐसे में बाबर डेफिनेटली केयरफुल होंगे, स्पिनर्स को अगर ज़्यादा विकेटें दे दी तो ये ना हो कि उनके स्पेल में सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। तो ये बाबर की, और इसके और बाबर आजम का एक बहुत शानदार आज हमने मोमेंट उस वक्त भी देखा जब उनके जूते का तस्मा खुल गया और वो नॉन स्ट्राइकर रन पे खड़े थे, तो मोहम्मद नबी उसको बंद करने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि नहीं आपसे नहीं बंद करवाना, सीनियर हैं आप, फिर का जो मकाम है तो उन्होंने खुद अपने ग्लव्स उतारे और वो तस्मा बंद नहीं, महान की वजह से नहीं, उन्होंने कहा कि आपने मुझे आउट नहीं किया ना उस टाइम, ये मैं उसका कह रहा हूँ कि आप मुझे जनाब इस तरह से ना करें। नहीं जी, ग्राउंड में टीम जो है वो पाकिस्तान टीम जो बॉलिंग के लिए पहुंच चुकी है, ये टीम मीटिंग इस वक्त चल रही है, आप देखना ये कि 282 रन को पाकिस्तान डिफेंड कर पाएगा या नहीं। उम्मीद तो ये की जा रही कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इस टोटल को डिफेंड करेगा, और ऑल दो हमारे पास 2 स्पिनर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉल जिस तरह से स्टार्ट में व्हाट्सएप ने कहा था कि क्वालिटी में फ़र्क है फास्ट बॉलिंग जो ये जो डिपार्टमेंट है उनके, नवीनुल हक ने उस तरह से बॉल नहीं किया, लेकिन हमारी जो फास्ट बॉल डिपार्टमेंट है ये दुनिया में माना जाता है, और हमने देखा इन्होंने परफॉर्म भी किया, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस हैं, और इसके साथ साथ हसन अली हैं। अच्छा जी, एम्पायर्स ही आ रहे हैं इस मैच पर तो बात चल रही है, लेकिन कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुआ जो टेबल टॉपर्स से दो उनके दरमियान क्लैश हुआ, और अनबीटन दोनों साइड वैसे अनबीटन थी अभी तक, लेकिन इंडिया ने जनाब इंडिया रिमेंस अनबीटन और न्यूजीलैंड को हरा दिया है, और वो भी देखा जाए तो विराट कोहली की ही बदौलत, वो एक बंदा था जो खड़ा रहा और बाकी
इंडिया ने अपने उस जिंक्स को भी तोड़ दिया कल न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो बड़ी बात की जा रही थी कि इंडिया ने 92 के वर्ल्ड कप सिर्फ एक दफा रहा है, तो इंडिया ने कल आईसीसी वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड को शिकस्त और मेरे ख्याल रन आउट वगैरह का बदला बुदला सब ले लिया था उन्होंने। बट सब क्या देखते हैं कल, अगर स्पेसिफिकली विराट कोहली की बैटिंग पर अगर बात की जाए? देखें, विराट कोहली के लिए तो फिलहाल एक एंगल के नाम ही काफी है। एक रन मशीन तो है ही, लेकिन चेज स्पेशलिस्ट भी है। बिल्कुल। और चेस के अंदर अगर आप देखें उनका जो स्ट्राइक रेट है या उनकी जो एवरेज है वो वर्ल्ड क्लास है। शायद दुनिया में वो अकेले ही खड़े हैं उस मुकाम पर जहां पर उन्हें अपने इर्द गिर्द कोई मुकाबले वाला बंदा नज़र नहीं आता। लेकिन जो सबसे कह लीजिए कि जो एक खूबसूरत चीज़ है ना, जो आप जब उनकी आंखों में देखते हैं ना, वो जो 90 रन के बाद जिस तरह वो बॉल की सर्च कर रहे होते हैं और जो डिटर्मिनेशन उनके चेहरे पर टपक रही होती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कहते हैं पंजाबी राजधानी बनता। इट इज़ सो मच डिटर्मिनेशन टू डू मोर एंड मोर। और वो अपने इंटरव्यूज में भी यही कहते हैं कि मैं मैच को अख्तिताम की तरफ ले जाता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसको फिनिश करना जो है ना वो ज़रूरी है मेरे लिए। और कॉन्स्टेंटली कह लीजिए कि अगर इंडिया की टीम को अगर किसी एक बंदे ने पिलर की तरह सहारा दिया हुआ मिडल ऑफ इनिंग्स में और थ्रू आउट वो चलता है उनके साथ, तो वो विराट कोहली। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स की अगर बात की जाए तो वो तो ऑल दो बहुत बड़े। कल सचिन तेंदुलकर द ग्रेट का रिकॉर्ड बराबर होने जा रहा था, 49 सेंचुरी उनकी है ओडीआईज में, और जो कि अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली नहीं कर पाए, 5 रन से रह गए। एक टाइम पे लग रहा था कि शायद वो सेंचुरी करने नहीं जा रहे, जब वो सिंगल डबल कर रहे थे तब ऐसा लगा, लेकिन जब उनकी सेंचुरी में भी 7 रन रह गए और जीत में भी 7 रन रह गए, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे सेंचुरी कर लेनी चाहिए, लेकिन नर्वस 90s का शिकार हो गए। देखिए, वो बड़ा शॉट मारने की उन्होंने कोशिश की वहाँ पर और उन्हें लगा कि बॉल स्लॉट में है, लेकिन उसको टाइम नहीं कर सके और आउट हो गए। लेकिन एक चीज़ तो अश्योर्ड है कि वो टीम को बिल्कुल विक्ट्री के करीब ले जाकर उन्होंने ये चांस लिया, जिसको फिर बाद में जडेजा ने। वैसे मैंने ये नर्वस 90 का वर्ड बोल तो दिया, लेकिन विराट भी ये वर्ड सूट करता है वैसे? देखिए, अभी नर्वस 90s हैं तो 77-78 उनके 100 हो गए हैं, तो पता नहीं नर्वस कौन होता है जब वो 90s में जाते हैं। अच्छा जी, कोहली की जरा बैटिंग दिखाएं जी, बैटिंग देखते हैं बिकॉज इट्स ट्री टू वॉच। अब ये वो इनिंग्स थी विराट कोहली की, 95 रन की इनिंग्स के लिए विराट कोहली ने, और जिस तरह से नॉन स्ट्राइक एंड पर जिस तरह से आउट होते जा रहे थे बाकी प्लेयर्स, लेकिन विराट कोहली हमेशा, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अभी न्यूजीलैंड वो खड़े, बाकी आ रहे हैं बारी लेके। और विराट कोहली की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई में एवरेज है वो 70+ है। देखिए, ये रोल्स ना बड़े डिफाइंड हैं, कोई ऐसा ना समझे कि रोहित शर्मा जो है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो पावर प्ले में इम्पैक्ट डालते हैं और ये आगे से उस इम्पैक्ट को आखिर तक लेकर जाते हैं, और ये दोनों को पता है कि इनके रोल्स क्या हैं, और वो उससे टस से मस नहीं हो रहे। अभी तक की जो क्रिकेट हमने देखी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, यही रोहित शर्मा जब 2019 का वर्ल्ड कप इन्होंने 5 सेंचुरियां बनाई थी, तो क्योंकि इंग्लैंड में अर्ली बॉल स्विंग होता है तो ये पहले 10 ओवर निहायत आराम से खेलते थे, ये मेक श्योर करते थे कि विकेट ना गिरे। लेकिन कम टू इंडिया इन्होंने अपना रोल तब्दील कर लिया, अब उन्हें पता है कि नए बॉल पे रन्स बनने, तो वो पहले 10 ओवर्स में वो और शुभमन गिल दोनों जो हैं वो अटैक पे जाते हैं और उन्हें पता, लेकिन कॉन्फिडेंस ये है कि पीछे बैटिंग इस तरह की है कि 99% आपको लगता है कि ये इस 6 बंदों से पार बात नहीं जाएगी एज अ बॉलिंग साइड। और एक टाइम पर लगा कि जैसे हार्दिक पांड्या की कमी महसूस होगी, लेकिन वो कमी रविंद्र जडेजा ने पूरी कर दी और उन्होंने प्रॉपर बैटिंग की, और जिस तरह से उन्होंने विराट कोहली को साथ खिलाया है कि आप बड़े शॉट्स खेले मैं भी इस तरह से करता हूं, तो ये जो एक कम्युनिकेशन है। इंडियन कोच राहुल द्रविड़ ने वैसे पहले स्टेटमेंट दी है कि अगर हार्दिक पांड्या मजीद मैचेस में बाहर होते हैं तो इंडिया की टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है हार्दिक पांड्या जो दरमियान में आकर टीम को बैलेंस देता है, इंपैक्ट प्लेयर है। और शुभमन गिल का आपने तस्करा किया, तो शुभमन गिल का एक रिकॉर्ड का मैं तस्करा करता चलूँ। शुभमन गिल इस वक्त एक रोजा क्रिकेट की तारीख के 2000 रन मुकम्मल करने वाले सबसे तेजवीन बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 38 इनिंग में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और ये रिकॉर्ड इससे पहले हाशिम आमला का था जिन्होंने 40 इनिंग्स खेली 2000 रन का मुकम्मल। मैं हाशिम आमला को समझता था बड़ा स्लो खेलने वाले, लेकिन ये अगर शुभमन गिल ने उनका रिकॉर्ड थोड़ा, तो फिर इसका मतलब वो भी काफ़ी अटैकिंग प्लेयर हुआ करते थे। अच्छा जी, इंडिया की जिस तरह से विकेट्स गिरी हैं, ज़रा विकेट्स दिखाइए, क्योंकि न्यूजीलैंड भी घर से खेलने आए हुए थे और उनके बॉलर भी अच्छे थे। ट्रेंट बोल्ट हमने देखा, लुकी फर्गसन देखा, स्टैंटन ने अच्छी बॉलिंग की, ज़रा दिखाइएगा विकेट्स। अब ये लास्ट आउट जो कि विराट कोहली का था, बड़ा हिट मारने जा रहे थे और कैच आउट हो गए। ओवरऑल अगर पार्टसर विकेट्स देखी जाए तो स्टार्ट से अगर उनकी बात की जाए, रोहित शर्मा की इनसाइड एज वही अगेन उनका मसला थोड़ा सा है, अंदर आते बॉल को थोड़ा सा इशू करते हैं। देखिए, अंदर आते बॉल किसको मसला नहीं होता, वो वाला बैट्समैन मुझे मिला दे और वो भी अंदर आ रहा हो 140 से ऊपर की स्पीड पे, तो खासा एक बैटर के लिए मुश्किलात होती हैं। लेकिन जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, वो अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं अभी तक, वो जितनी भी बैटिंग कर रहे हैं वो इंडिया को एक हेड स्टार्ट दे देते हैं गेम के अंदर, कि अगर किसी टीम ने फिर वापस गेम में आना ना, उन्हें 2 से 3 इकट्ठे विकेट लेने पड़ेंगे, इस किस्म का वो स्टार्ट होता है। और वो मोमेंटम कैरी करना जो है वो इजी होता है आने वालों के लिए, मोमेंटम भी कैरी करते हैं। और जो नए आने वाले हैं वो भी ऐसा नहीं लगता, लगता बाहर से ही स्कोर करके 15-20 नॉट आउट आते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं
पहली दो चार बॉलों में उनकी एक दो बाउंड्रीज लगती हैं एंड ही इज अवे। कोहली आते हैं वो भी इसी तरह करते हैं, उससे नीचे अगर बात चली जाए तो जडेजा आके टीम को संभाल लेते हैं, बीच में हार्दिक पांड्या भी नहीं है। सो आई थिंक जो बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने ओवर द ईयर्स बिल्ड की है तो इससे टीम का जो मोराल है वो बड़ा हाई। आप देखें कि मोहम्मद शामी अंदर आते हैं, पहला मैच खेलते हैं और ऐसी बॉलिंग करते हैं लगता है कि कभी टीम से बाहर थे ही नहीं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो स्क्वाड है वो ऐसा है कि प्लेइंग 11 का कोई भी हिस्सा बन। परफॉर्मेंस देख के मुझे आपकी वो गुड हेडेक वाली एग्जांपल दोबारा से याद आ रही थी। अब इंडिया जो है वो परेशान हो रहा होगा कि हम मोहम्मद शामी को अब उन्हें पहला मैच उन्होंने खिलाया था, उन्होंने आगे पांच आउट कर दिए हैं और मोहम्मद शामी भी जो है वो तीसरे कामयाब तीन बॉलर बन गए हैं इंडिया के वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अनिल कुंबले से ज्यादा विकेट होंगे ये इनकी। बट सर वैसे अगर आगे मैचेस आने वाले मैचेस इंडिया के देखें, शार्दुल ठाकुर बेहतर रहेंगे या मोहम्मद शमी? अगर कंपैरेटिवली देखा जाए एक्सपीरियंस वाइज तो मेरे ख्याल मोहम्मद शमी को ही प्रेफर किया जाएगा। कोई मैच ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है बॉलिंग का। मोहम्मद शमी एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर हैं, स्विंग बॉलिंग नए बॉल पर हो, पुराने बॉल पर रिवर्स हो, डेथ बॉलिंग में यॉर्कर्स हों, बाउंसर स्पीड भी ज़्यादा है, तो कोई मुकाबला एक कंपैरिजन ही ड्रॉ नहीं होता। शार्दुल ठाकुर तो कह लीजिए कि थोड़ा बिट्स एंड पीसेस काइंड ऑफ क्रिकेटर है। अच्छा आपने ये नहीं कहना कि मैं पूछ के बताता हूँ, मुझे ये बताएगा फिर पांचवें मैच में इनको क्यों मौका दिया गया अगर इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर कोई कंपैरिजन ही नहीं है तो क्या वो यंग टैलेंट को ही ट्राई करना चाह रहे हैं? देखिए यंग टैलेंट को भी ट्राई क्या कर रहे हैं, हार्डली उसको एक से दो ओवर कराते हैं। रोहित शर्मा तो उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करते और इस बात का जिक्र कमेंटेटर्स ने भी किया, करवा रहे हैं मैचेस। हां एवरेज दो से तीन ओवर वो करवा रहे हैं जिसका जिक्र कमेंटेटर्स ने किया। तो ऐसे में तो फिर अगर पिच में स्पिन के लिए मदद है तो बाहर अश्विन बैठे हैं और अगर आपके पास फास्ट बॉलर का समझते हैं कि ज़्यादा हेल्प में लगी तो शामी बैठे हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आ रही कि शायद वो दिल को तसली देने वाली बात है, एक और बैट्समैन है पीछे। लेकिन आई थिंक अगर बात यहाँ पे आ गई है तो फिर जंगबंदी का ऐलान कर लेना चाहिए अगर बात दिखाई दे रहा है सबको ये कि फिलहाल एक लंबा टूर्नामेंट है, इसके अंदर जैसे इंजरी हुई है हार्दिक को, किसी की फॉर्म में डिप भी आ सकता है, लेकिन सो फार जो हमने देखा है यस देयर ऑल बॉक्सेस आर टिक। एमएस साहब फिर कल ये रिहर्सल की गई सेमीफाइनल की न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। जी हाँ, अगर पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी निगाह दौड़ाएं, हमने बार बार पॉइंट्स टेबल की बात की भी है, तो ये दोनों टीमें इस वक्त जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली नजर आ रही हैं। देखिए अगर अभी न्यूजीलैंड के बहुत सारे अच्छे मैचेस बाकी हैं और इंडिया ने भी कुछ मैचेस खेलने हैं, नीचे वाली टीमों ने भी खेलने हैं, तो ये पॉइंट्स टेबल की स्टैंडिंग के मुताबिक होगा क्योंकि 1-4 होता है और 2-3 होता है। तो अगर ये दोनों 1-2 भी होते हैं तो इनका मुकाबला आपस में नहीं होगा, 2-3 से होगा और 1-4 से होगा, मतलब इनका मुकाबला जो है फाइनल में हो सकता है। लेकिन देखना ये कि फाइनल में तो पाकिस्तान टीम जाती लेकिन अभी ये नहीं मालूम कि ये 1-2 होंगे, अभी काफी मैचेस बढ़े हैं। लेकिन न्यूजीलैंड को भी अच्छी टीमों से मैचेस खेलने जी, इंडिया को तो एक मैच ही चाहिए सेमीफाइनल के लिए अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। 12 पॉइंट्स के साथ मेरा ख्याल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, मैथमेटिकली हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। 10 पॉइंट्स के साथ इंडिया टॉप पर है और 8 पॉइंट के साथ मेरा ख्याल अभी इस वक्त न्यूजीलैंड है। इंडिया का आखिरी मैच नीदरलैंड्स के साथ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, देखना यह है कि वहाँ पर किस तरह से इंडिया परफॉर्म करता है। लेकिन इस मैच में वेलकम अच्छा नहीं किया गया शाहीन शाह अफरीदी का, उन्होंने जिस तरह से उन्होंने 9 रन्स 2 चौके लगे, इधर तो किसी का भी इस्तकबाल करने के मूड में नजर नहीं आ रहे अफगानी प्लेयर्स। हसन अली को भी 2 चौके अब तक लग चुके हैं बिल्कुल, और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टार्ट उनकी तरफ से मिल रहा है। लेकिन आई गेस कि 3 शॉट जो ये लगे हैं 4 में से जो चौके हुए हैं वो बैट बॉल्स हैं, ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट एंड वाइड अगर आप करेंगे तो आजकल के जो बैटर्स हैं ये आपको स्पेयर नहीं करेंगे। स्पेशली गुरबाज जिस तरह की फॉर्म में है, इब्राहिम भी अच्छे प्लेयर हैं और लंबे हैं, तो ये शॉर्ट बॉल को तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप। और हमने देखा जिस तरह से आपने कहा कि आप शॉर्ट बॉल को स्पेयर नहीं करेंगे फास्ट बॉलर्स को, तो उनकी इनिंग्स भी मार पड़ी, बट क्वालिटी बॉलिंग है फास्ट डिपार्टमेंट। अगेन वही बात करना चाहूंगा कि अगर उसामा मीर से नया बॉल ट्राई करवाया जा सकता था इस तरह से उन्होंने मुजीब को कराया। देखिए लेग स्पिनर उसामा मीर मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंकली स्पीकिंग उन्हें नया बॉल करते, ठीक है, लेकिन आप इफ्तिखार के साथ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये दोनों राइट हैंडर्स हैं तो शायद वो मैचअप ना उनका बनता हो। नवाज अगर होते लेफ्ट आर्म स्पिनर तो शायद आप देखते सेंटनर की तरह, वो भी पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करते, लेकिन अभी मुझे ये मुश्किल लगता है। अच्छा बच्चा, जो स्पिनर आएंगे वॉल मिसाल के तौर पर स्पिनर के लिए अच्छा जाना शुरू हो जाता है और हमें एक और स्पिनर की जरूरत पड़ जाए तो हम इफ्तिखार से ओवर करवाएंगे या साउथ शकील को आज आजमाया जा सकता है? देखिए साउथ को अभी तक तो आजमा लेना चाहिए था कहीं ना कहीं और जब चाहे आजमा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास इसके बाद बाहर नवाज है और कोई ऑप्शन नहीं है, या तो इब्रार हैं वो ट्रैवलिंग रिजर्व हैं, और आई थिंक एक सिंगल लीग का टूर्नामेंट है जिसमें आपने हर एक से एक बार खेलना है, शायद वो अच्छी इंक्लूजन हो सकते थे क्योंकि मिस्ट्री बॉलर है, एक मैच तो हर टीम को लगता है किसी को भी देखने में पता लगाने में, और तब तक वो तमाम टीमों के खिलाफ मैच खेल सकते थे।
ठीक है जी। और जिस तरह से हमने देखा कि कल जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका जो है हमारे अगेंस्ट वो प्रैक्टिस कर सकती है, क्योंकि बट देखना यह है कि साउथ अफ्रीकन टीम जो हमेशा जो छोटी टीम्स है ना उनके खिलाफ हाथ खड़े कर जाते हैं, और बड़ी टीम जैसे ही सामने आती हैं अब वो तगड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ब्रेक शामिल करनी, उसके बाद फिर हम इस मैच पर भी डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे। जनाब तीसरे ओवर का खेल इस वक्त जारी और 19 रन बना चुके हैं इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज़, जो कि बड़े अटैकिंग प्लेयर हैं अफगानिस्तान की जानिब से, और ये ओपनिंग पेयर ही ऐसा है जो कि मैच का पांसा पलटने की अहलियत रखता है। इब्राहिम ज़ादरान की बात की जाए, बादशाह अभी तक जितने शॉट्स खेले टेक्निकली साउंड दिखाई दिए हैं। जी खासे टेक्निकली करेक्ट लगते हैं और बहुत ही कह लीजिए कि ईज हैं, ईज के साथ खेल रहे हैं, कोई मसाइल उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। शाहीन ने अच्छी लाइन पर बॉल की है, थोड़ा बहुत बॉल स्विंग भी हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंस उनका नजर आया, और जब बॉल आगे पिच हुआ तो उन्होंने स्ट्रोक भी अच्छा खेला। बिल्कुल, और साथ गुरबाज, तो मेरा ख्याल साथ चक्के जी रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं ये आज अपना 31st ओडीआई इंटरनेशनल खेल रहे हैं, 1117 रन से बना चुके हैं, 38 की एवरेज और 86 के स्ट्राइक रेट के साथ, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अफगानिस्तान के लिए जितने मैचेस भी हुए हैं उनमें सब ज़्यादा रन रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए हैं। 151 रन की इनकी वो इनिंग्स आपको याद होगी कोलंबो वाले जो उन्होंने दूसरे ओडीआई में खेली थी। बिल्कुल, तो रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं वो अगर ज़्यादा स्टे कर जाते हैं तो ज़रा मसला कर देते हैं। अच्छा वैसे जिस तरह के बड़े शॉट्स बट्सअप ये खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, कहीं ना कहीं आपको स्लोगिंग का एलिमेंट कोई दिखाई देता? देखिए नहीं, ये टेक्निकली बड़े करेक्ट लगते हैं और शॉट सिलेक्शन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। बैट्समैन जो होता है उसकी शॉट सिलेक्शन एरी फेरी नहीं होती, उसमें आपको लगता है कि जिस तरफ का बॉल था उसी तरफ ये रन्स बना रहे हैं। और अगर आप शुभमन गिल को देखें, रोहित शर्मा को देखें, मिच मार्श को देखें, ऑस्ट्रेलिया के अक्रॉस द लाइन नहीं जाते, जिधर का बॉल है उसी तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्किलफुल बैटर हैं और टेक्निक इनकी बहुत अच्छी है। इसी तरफ से भी स्लॉगर है वो इतनी वो होती भी नहीं है, कोई आए और नॉन क्रिकेटिंग शॉट्स खेले तो वो आउट ही हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको सीधे बैट से ही यहाँ खेलना चाहिए। और हमने देखा जहाँ तक पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप की बात है, वो ऑफ स्टंप से वाइड बॉल को भी लपेट के कोशिश करते हैं कि लेग साइड पे छक्का हो जाए, तो वो क्रिकेट अपनी अब्दुल्ला के शफीक के साथ तो आप ऐसा बिल्कुल मामला नहीं देखते। फखर थोड़ा हमारा ऐसा प्लेयर है जो आउट ऑफ द बॉक्स क्रिकेट खेलता है और वो अग्रेसिव नेचर का है, और कोई ऐसे शॉट्स जैसे रैम्प शॉट्स हो गए, स्कूप शॉट्स हो गए, ऑफ स्टंप के बाद से मिड विकेट के ऊपर खींचना, ये फखर के शॉट है। ठीक है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक या इमाम के साथ ऐसा सीन नहीं है, वो प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं। अच्छा भट्टा, अभी तक विकेट को जितना आपने रीड किया, स्पिनर तो हमने देख लिया उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन हम चूंकि 3 फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, ड्यू फैक्टर के बाद उस दौरान अभी पहले 10 ओवर में कोई आपको नजर आया? अच्छी अच्छी बातें करें, आप ड्यू आ गई तो जो थोड़ा बहुत स्पिन हमें मिलना है वो भी नहीं मिलना, जब बाद में आना तो है ही है, मौसम जिस तरह का है चेन्नई। देखिए अगर तो आ जाती है ड्यू तो फिर मुश्किलात हो सकती हैं बॉलर्स के लिए, डेफिनेटली हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उससे पहले आप कितनी कामयाबियां हासिल कर पाते हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 3 विकेट लेके अंडर प्रेशर कर लिया था, अगर पाकिस्तान ऐसा कर लेगा तो काफी हद तक मैच पाकिस्तान के काबू में आ जाएगा, इसलिए पहले 10 ओवर में विकेट जरूरी है। अगर ड्यू का 25-30 ओवर के बाद ही आती है तो आई थिंक द फर्स्ट 20 ओवर्स और इनिशियल स्टेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्पिनर को कब तक ट्राई करवा लेना चाहिए? देखिए 10 ओवर्स के बाद आपको नजर आएंगे स्पिनर्स, और शदाब या उसामा मीर से आएंगे, दोनों ही आएंगे, दोनों आएंगे, दो खेल रहे हैं यही दो आएंगे आज। मेरा ख्याल शायद 30-35 ओवर के बाद फिर दूसरे को ट्राई किया जाए एक के साथ। अफगानिस्तान की इनिंग पर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस बात पर रिग्रेट कर रहे हैं कि उनके पास एक स्पिनर और होना चाहिए था? आई थिंक उनके पास एक और जो स्पिनर था भी उसके उन्होंने पूरे ओवर नहीं कराए, तो ये तो जिसने अच्छी बॉलिंग की है उसी को कैरी ऑन किया उन्होंने। लेट्स सी ये किस तरफ को मैच जाता है। जी कल के मैच की मैं बात कर रहा था, साउथ अफ्रीका के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा प्रैक्टिस का, क्योंकि उनका अगला मैच बड़ा जरूरी है पाकिस्तान के अगेंस्ट, नेक्स्ट फ्राइडे को मैच है वो भी चेन्नई में ही खेला जाएगा, चेन्नई में ही, और तो फिर तो ये पाकिस्तान अच्छी बात है, और इसके अकॉर्डिंग ही अपना जो प्लेइंग 11 है वो डिसाइड करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि वो भी अच्छे स्पिनर से जाएं। वैसे साउथ अफ्रीका के पास भी स्पिनर्स हैं इतने तगड़े जिस तरह से आज अफगानिस्तान के केशव महाराज हैं, शमसी हैं, केशव महाराज बहुत आला स्पिनर हैं, टेस्ट मैच खेलते हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और उसके साथ शमसी बॉलिंग कर लेते हैं, मार्करम अच्छी खासी ऑफ स्पिन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो बॉलर्स तो हैं। और अभी तक इंडिया में सबसे ज्यादा बॉल स्विंग और सीम जो हुआ है वो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स का हुआ है, और उन्होंने हर जगह अच्छी बॉलिंग की है, जहां पर 400 रन उन्होंने किए हैं उस विकेट पे भी उन्होंने बॉल स्विंग किया है और इंग्लैंड को आउट किया है, तो उनकी परफॉर्मेंस या उसकी जो बॉलिंग है जो स्पेशली न्यू बॉल के साथ वो खासी खतरनाक बॉलिंग कर रहे हैं। बहरहाल जी येंसन ने उन्होंने लास्ट टाइम थोड़ा सा थ्रेट दिया है कि मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, 75 रन की इनिंग्स खेली, 35 बॉल 75 मैं बैटिंग भी कर लेता हूँ, एक अंडरस्टेटमेंट है जिस तरह की उसने बारी ली है, उसने कहा कि मुझे ऊपर खिलाओ, इस तरह की बारी ली है उसने। ठीक है, जिस तरह से बॉलिंग भी करते हैं साथ साथ बैटिंग भी। अच्छा कोई बांग्लादेश की हिस्ट्री में इस तरह से अपसेट है जिस तरह से हम देख सकते हैं, हमने नेदरलैंड को हराते हुए देखा है उन्हें
साउथ अफ्रीका, इसमें भी कुछ है। ये बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहला अपसेट तो हमारे खिलाफ ही किया था वर्ल्ड कप 1999 में, ठीक है। तो उसके बाद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में बांग्लादेश ने दूसरा अपसेट जो है वो 2007 में इंडिया के अगेंस्ट भी किया हुआ था। अच्छा। भी किया था वो भी आपका हम जैसा कर चुके हैं उसका। 2015 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की टीम ने इंग्लैंड को भी शिकस्त दी थी, तो अब हो सकता है कि 2023 के वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश। देखिए ऐसे खतरात अमूमन अगर आप चेस करते हैं तो आपको ज्यादा होते हैं। साउथ अफ्रीका को भी हमने जब भी देखा इस तरह क्रम्बल करते तो ज्यादातर वो चेस कर रहे थे, जबकि यही अगर वो पहले बैटिंग करें और 300 प्लस या वो तो अगर खैर पूरे ओवर खेलें तो 400 के एक्सेस में जाते हैं, तो ऐसे में फिर किसी भी ऑपोजिशन के लिए मुश्किल हो जाता है। लग रहा है कि कल बांग्लादेश कोई टफ टाइम दे सकता है कहीं ना कहीं। देखिए क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। ये कोई बंदा लिखवा के नहीं लाया हुआ कि मैं ही जीतूंगा, या ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। आप देखें इंडिया आज से कल से पहले एक बार जीता था 35 साल में न्यूजीलैंड, कल दूसरा मैच जीता है उन्होंने। तो हर एक मैच जो है वो नया दिन और उस दिन की कंडीशन और उस दिन की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड होता है। स्टैट्स पीछे रह जाते हैं फिर उस दिन ऑन डे तो नया स्टैट बन गया ना कि जी दूसरी दफा तो जब जो हो रहा होता है उसने होते साथ ही वो एक स्टैट बन जाता है। अच्छा जी चौथा ओवर चल रहा है 25 रन और हसन अली को अभी से ही पसीना आया हुआ है फुल तेज और दूसरे ओवर में 11 रन उनको लगे हैं। देखिए ये ओवर कदरे बेहतर कर रहे हैं, अच्छी लाइन अच्छी लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं और चिपॉक में चेन्नई में बहुत कह लीजिए कि कोस्टल एरिया है, रात को यहाँ पे इतनी ब्रीज नहीं होती तो यहाँ पे ठीक ठाक पसीना आता है। ठीक है जी चौथा ओवर 25 रन और रनिंग बिटवीन द विकेट जो है वो अच्छी चल रही है, बट सब कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे? देखिए आउट कर लें जहाँ तक वहाँ तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, करना चाहिए करना। अच्छे रन हैं और लेकिन अभी तक अफगानिस्तान की रिप्लाई अच्छी है। आप क्या कहते हैं? देखिए मैं इस गुफ्तगू में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा कि हमें रन रेट चाहिए, हमें 2 पॉइंट चाहिए। आप नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, आप बोले खुल के। ठीक है जी तो जनाब प्रोग्राम की क्लोजिंग का वक्त है, लेकिन एक मिनट पापाओ की कॉल आ रही है, रिसीव करता हूं। हेलो पापाओ, आपको क्रिकेट के बारे में वैसे सबसे ज्यादा क्या पसंद है पापाओ? जी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, फूड पांडा के लजीज गाने दिलों को हिट कर रहे हैं, तो वर्ल्ड कप के दिलचस्प मैचेस का मजा फूड पांडा की डील्स के साथ दोबारा करें।